Hi guys, assalamu alaikum. Welcome back to another episode of Happy Chirp. Today I have with me Dr. Aisha Abbas, who happens to be a doctor and a nutritionist at the same time, which I think is a very great combination kyunki usse inki zahir knowledge ki credibility zyada badhti hai, and of course she knows what she's talking about when she tells us about nutrition. That's why having her on this podcast means that, you know, all the information that we get, it's accurate, it's medically corrected as well. And I'm very happy to introduce her to you guys. Assalamu alaikum, Dr. Aisha, kaisi hain aap? Wa alaikum salam, main bilkul theek hu. Thank you so much, aap itna dur se aayi. Yes. It means a lot that you've taken the time out for this. Being a nutritionist and a doctor, क्योंकि हमारा फॉर्मेट जनरली होता है दैट वी ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास आके बैठा हुआ कौन है और उनकी थोड़ी सी जर्नी क्या रही है. मुझे लगता है कि वो किसी भी कॉन्वर्सेशन के लिए बड़ी एक एसेंशियल चीज़ है टू गेट टू नो द पर्सन एज वेल. सो आप थोड़ा सा मुझे ये बता सकती हैं कि आपकी आप वेयर डू यू बिलोंग, लाइक वेयर इज़ योर अर्ली लाइफ फ्रॉम, आप कहाँ पैदा हुई, वेयर वर यू बॉर्न एंड रेज़्ड? मज़े की बात ये कि मैं पैदाइश मेरी लाहौर की है. आई वॉज बोर्न इन लाहौर, ठीक है, लेकिन लाइफ मेरी पूरी कराची में गुजरी है. अच्छा. द रीज़न बीइंग के माई फादर ही वॉज द सीनियर मोस्ट जम्बो कैप्टन इन PIA. तो जैसे ही उनका PIA में सेलेक्शन हुआ तो अनाउंसमेंट ये हुआ कि हम बेस कराची को बनाएंगे. माई पेरेंट्स दे नेवर वॉन्टेड टू लीव लाहौर और वो हमेशा रहना चाहते थे. पंजाबी फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, लेकिन जब ये अनाउंसमेंट हुई तो कराची को बेस बना दिया गया कि सारे पायलट्स को वहाँ जाना पड़ा. वो दिन आज का दिन हमारी लाइफ कराची में गुजर गई. अच्छा. और नाउ वी डोंट वॉन्ट टू लीव कराची, वी लव कराची. कराची इज होम, नाउ वी लव कराची. तो इस तरीके से वहाँ की ही एजुकेशन सारी एंड एवरीथिंग. तो आपने कहाँ मोस्ट ऑफ योर एजुकेशन कहाँ से आपने हासिल की? ऑल ऑफ माय एजुकेशन इज फ्रॉम कराची. मेरी स्कूलिंग भी, ग्रेजुएशन भी और पोस्ट ग्रेजुएशन. पोस्ट ग्रेजुएशन, यस. सो ग्रोइंग अप आप क्या, व्हाट डिड यू सी योरसेल्फ एज, क्या आप क्या बनना चाहती थी, आपके कुछ थे थॉट्स? मैं कुछ बनना चाहती थी. अच्छा. हाँ, मुझे कुछ बनना था. और ऐसा बनना था कि मैं कहीं पहचानी जाऊँ. व्हेन आई वाज इन स्कूल आई यूज्ड टू राइट डॉक्टर आयशा इन माय स्कूल कॉपीज. अच्छा. हाँ, क्योंकि मेरे फादर को डॉक्टर बनना था. फॉर सम रीजंस ही वाज नॉट, यू नो, ही कुडंट गेट एडमिशन इन द मेडिकल कॉलेज. तो वो पायलट बन गए उसके बाद. तो ही वाज कि मुझे अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना है. तो हम छोटे छोटे होते थे तो उनका एक वो था, एम्बिशन था. और उसके बाद वो खुद शौक मेरे अंदर पैदा हो गया. तो मेरी जो स्कूल की कॉपीज थी तो आई रिमेंबर कि मैं उस पर डॉक्टर आयशा ही लिखती थी. अच्छा. यस. एंड आई वॉज एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट. मेरे हमेशा ग्रेड्स हमेशा टॉप पे आए. आई वॉज अमंगस्ट द टॉपर्स, गोल्ड मेडलिस्ट. तो वो हमेशा मेरे पोजीशंस ही रहीं. बहुत अच्छे से मेरा डाउ मेडिकल कॉलेज में दाखला हुआ. आई रिमेंबर कि मेरिट पे आया तो माय पेरेंट्स दे वर क्राइंग, उनकी आंखों में आंसू थे. तो ज़िंदगी इतनी इजी नहीं होती, लेकिन आप स्ट्रगल करते हैं तो आपको आपकी मंजिल मिल जाती है. बिल्कुल. और आपने तो जैसे बचपन में ही डॉक्टर आयशा लिखना शुरू कर दिया था, दैट शोज़ के Somewhere inside you were very dedicated, ना कि ये तो मैंने बनना है. हाँ. जैसे तो मैं बन चुकी हूँ. हाँ, हाँ, बस मुझे ये कुछ भी करना है, इसके लिए मैं कुछ भी करूँगी. तो एड़ी चोटी का जोर लगाऊंगी जैसे भी है. तो आप डाउ मेडिकल कॉलेज में ही जाना चाहती थी? डाउ मेडिकल कॉलेज हमारे वक्त में, अब तो जैसे इतना ट्रेंड हो गया है कि अब इतने ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस होते हैं. कराची का जो बेस्ट कॉलेज था वो डाउ ही था. उस वक्त डाउ था और SMC था, कोई और ऑप्शन थे ही नहीं. तो अगर आपको दाखिला लेना है तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन इधर ही जाना, तो वहीं पे आपका होगा. तो उसी के लिए सीट्स आपके पास लिमिटेड सीट्स होती हैं. तो उसी के लिए मेहनत की और अल्लाह ने बहुत साथ दिया. तो आपका मेडिकल स्कूल का एक्सपीरियंस कैसा था? मेडिकल स्कूल का एक्सपीरियंस ऑफकोर्स बहुत टफ़ होता है. मेडिकल लाइफ भी बहुत टफ़ होती है. देखें, उससे पहले वहाँ तक का एडमिशन की लाइफ भी बहुत टफ होती है. आपको दुनिया का नहीं पता होता कि कैसी दुनिया चल रही है. बस एक अनकही ड्रामा आता था और एक शायद धूप के नारे था. धूप के नारे में भी जो हीरोइन थी उसको भी डॉक्टर बनने का बहुत शौक था, तो मुझे वो ड्रामा देखने का भी बहुत शौक था. लेकिन मेडिकल लाइफ बहुत टफ होती है, आपको दुनिया का नहीं पता होता. लेकिन यह है कि जब ज़िंदगी में आपके अंदर कोई लगन हो एंड यू रियली वांट टू बिकम समथिंग, तो आप उस टारगेट को अचीव करने के लिए जब मेहनत कर रहे होते हैं, आपके अंदर लगन होती है, तो फिर आपको मज़ा भी आता है. बिल्कुल. ज़िंदगी बगैर लगन के तो कुछ भी नहीं होती. ऐसी कोई ज़िंदगी नहीं होती. वो तो फिर एक सादा सा वर्क होगा. उसमें जब तक फूल नहीं होंगे, कलर्स नहीं होंगे, आप कैसे इन्जॉय करेंगे? जी, कोई भी अगर आप काम कर रहे हो वो एक खोखले तरीके से कर रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है. जब तक उसमें पैशन ना हो और दिल आपका उस चीज़ के अंदर. एग्जैक्टली.
राइट सही. तो फिर जाहिर है मेडिकल स्कूल वाज टफ, बट कैसा था, हाउ वाज डाउ मेडिकल कॉलेज? डाउ मेडिकल कॉलेज अभी भी बेस्ट कॉलेज है, चाहे इतना ज़माना भी गुजर गया है, लेकिन उसमें एडमिशन आज तक बहुत मुश्किल है. अभी तक उसका बहुत नाम है, तो उस वक्त भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे वो 5 साल गुजरे. फिर वहाँ से पास आउट हुए, हाउस जॉब किया, और वो फिर जैसे सबकी शादियाँ होती हैं तो हमारी भी हो गए एंड यू नो. तो उसके बाद बस फिर ये था कि आपको एक फील्ड चूज करनी होती है ना, लाइक दिस इज जस्ट अ ग्रेजुएशन. वैसे तो आप डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन आपको फिर कोई एक फील्ड चूज करनी पड़ती है जिसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़े, और फिर वो फील्ड आपको लेके चलनी पड़ती है. ऐसे ही होता है हर जगह पे. जो भी डॉक्टर्स बनेंगे उनको गायनी है या मेडिसिन है या सर्जरी है, सो दे हैव टू चूज वन थिंग. जी, तो फिर आपने क्या चूज किया उस टाइम पे? उस टाइम पे क्योंकि FCPS करते हैं ना ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर लोग FCPS करते हैं. FCPS न्यूट्रिशन में था नहीं, ठीक है. और मुझे ये था कि माय मदर वाज डायग्नोस्ड एज अ डायबिटिक पेशेंट बहुत शुरू में, बहुत अर्ली उनको मेरे पूरे ननियाल को हर पेशेंट जो है उनके डायबिटीज़ हो रहा था. मेरे पूरे ननियाल, मेरे खालाज और मेरे जो नाना जान थे उनकी भी डायबिटीज़ की वजह से हुई. सीरम इंसुलिन सबके बढ़े हुए होते थे. तो मैंने शुरू से अपनी वालिदा को देखा कि शी इज़ नॉट हैविंग कोल्ड ड्रिंक्स, मीठा बिल्कुल नहीं खा रही. तो बहुत ज़्यादा घर का माहौल बहुत डिफरेंट था. अच्छा, फादर चूंकि पायलट थे तो PIA में भी ये होता है कि हर 3 मंथ्स में 4 मंथ्स में बहुत स्ट्रिक्ट चेक होता है जिसमें आपकी वेट मॉनिटरिंग होती है, वो वेट नहीं बढ़ा सकते. तो बोथ ऑफ माई पेरेंट्स पेशेंट इस तरह से उनको था कि मदर शी वॉज अ डायबिटिक एंड माई फादर ही वॉज अ पायलट, तो वो दोनों अपना वेट, अपना एक्सरसाइज तो बहुत उनकी मॉनिटरिंग हो रही होती थी. तो ये चीज़ें बचपन से मैं देखती रही. तो मैंने भी, मुझे याद है कि मैंने बहुत अर्ली एज में चाय के अंदर चीनी पीना छोड़ दी थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं पीते थे तो आदत ही खत्म हो गई. मतलब वो घर का माहौल ही, घर का माहौल, लाइक वेरी हेल्थ फोकस्ड लाइफस्टाइल ही. हेल्दी लाइफस्टाइल. उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा, लेकिन होता है ना कि जिन पेरेंट्स को खुद सब्जी वो नहीं खाते उनके बच्चे सब्जी नहीं खाते, जो पेरेंट्स खुद बहुत जंक फूड खाते हैं उनके बच्चे जंक फूड खाते हैं. अगर आपको बच्चे को कुछ भी करवाना है तो यू हैव टू डू इट फर्स्ट, प्रैक्टिस इट योरसेल्फ. हां, यू हैव टू प्रैक्टिस इट योरसेल्फ. ना इस्लाम अगर आपको फैलाना है तो यू आपको कबूल करना है. तो शुरू से वही देखा. तो मुझे एक ऐसी फील्ड यू नो चूज करनी थी विच आई कैन मैनेज विथ माई यू नो फैमिली एंड माई चिल्ड्रन. माई हस्बैंड ही हैज़ अ वेरी टफ जॉब, ही इज़ एन ENT सर्जन एट मीन आगा खान. तो सर्जन्स दे हैव अ वेरी टफ लाइफ, मतलब सुबह शाम का पता नहीं होता. आगा खान हॉस्पिटल की बजाते खुद बहुत टफ जॉब होती है. किसी वक्त भी इमरजेंसी के लिए बुला लेते हैं. तो ही वॉज के देखो ठीक है, या तो तुम काम ना करो. तो इस पे तो हमारी बहुत वो हो जाती थी कि मैं कैसे काम ना करूं, जो बच्ची बचपन से कॉपीज़ में डॉक्टर आयशा लिख रही है और उसका बचपन से ख्वाब है कि उसको कुछ बनना है और लोग उसको पहचाने, तो वो घर बैठ जाए तो वो तो नहीं होगा. लेकिन मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी. माई सन ही इज़ इन फाइनल ईयर MBBS नाउ, सो यू कैन वेल इमेजिन के घर भी बिल्कुल ठीक सब कुछ. तो आप, मुझे करना तो कुछ है. तो इसे ठीक है, दैट्स फाइन. तो फिर तुम ऐसी चीज़ कोई चूज़ करो वो जो नई हो, डिफरेंट हो, और उसमें कोई इमरजेंसीज ना हो कि तुम्हें रात को कहीं उठ के जाना पड़े. डोंट गो फॉर गायनी और समथिंग. फिर मेरे ख्याल में, जहन में ये आया, और इसमें मैंने पूरा 4 ईयर्स का मास्टर्स कम्प्लीट किया. माई हस्बैंड ही सपोर्टेड मी, हेल्प मी अ लॉट. क्योंकि देखें, फैमिली जब तक आपको सपोर्ट ना करे, आपके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो उसके बगैर ये सब नहीं होता. बिल्कुल. तो ये इस तरीके से मैंने ये सारा मास्टर्स किया. और उस ज़माने में डॉक्टर शाइस्ता लोदी जो थी, शी वॉज स्टार्टिंग अ प्रोग्राम एट, शी वॉज होस्टिंग अ प्रोग्राम इन फैक्ट एट ARY. अच्छा. न्यूज़ बाखा पर सबेरा. एंड शी वॉन्टेड अ न्यूट्रिशनिस्ट, लेकिन जो MBBS डॉक्टर हो और वो डायबिटिक और हार्ट पेशेंट्स और इन सबको डाइट प्लान्स दे. तो शी कॉल्ड मी अप हरसेल्फ, और वो चूंकि मुझे जानती थी, वो खुद भी SMC की जो हैं वो उन्होंने किया हुआ है MBBS. तो शी सेड के नहीं, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है. तुम, आई वॉज लाइक कि मुझे तो, मैं नहीं कर सकूँगी, मैं कैसे मीडिया में आऊँगी. मुझे उन्होंने मेरा माइक जो है वो खुद लगाया एंड आई वॉज लाइक शिवरिंग. वो पहला दिन मेरा था, लेकिन डॉक्टर शाइस्ता ने मुझे बहुत हेल्प किया. कितनी पुरानी बात है ये? 15 साल पुरानी. सो मीडिया में आपने 15 साल पहले स्टेप रख लिया? यस, 15 साल का मेरा मीडिया का पूरा सफ़र है. मीडिया का मेरा पूरा सफ़र है. डॉक्टर शाइस्ता ने मेरा माइक लगाया एंड शी वॉज लाइक क्या हो गया, तो मैं, कोई घबराने की बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ. और वो पहला दिन ही टफ था. उन्होंने इतने प्यार से मुझे लेके चले, हर क्वेश्चन इन ऑल, और हंसती रहीं बोलती रहीं, बहुत अच्छा. डायबिटीज़ के ऊपर हमने बात की, फिर मोटापे पे की. उन्होंने
मुझे रख ही लिया कि तुम्हें तो हर वीक मेरे पास आना है, दो शोज़ तो तुमने करने ही करने. और फिर मुझे पता ही नहीं चला कि वो 15 साल कैसे गुजरते चले गए. इतना आपका माहौल इतना अच्छा होता है, लोग इतनी इज्जत करते हैं, तो बहुत अच्छा मेरा ये सारा सफ़र रहा है. तो आपने न्यूट्रिशन में मास्टर्स किया और फिर आपने मीडिया में जाके उसके ऊपर अवेयरनेस भी बहुत स्प्रेड की है. बहुत अवेयरनेस स्प्रेड की. मैंने पहले एक अपना क्लिनिक बनाया, देन मैंने दूसरा क्लिनिक बनाया. अब माशाल्लाह आई एम रनिंग 3 clinics इन कराची, क्लिफ्टन, बहादुराबाद और गुलशन में. द रीज़न बीइंग कि कराची बहुत बड़ा शहर है. एक जगह के क्लिनिक बनाने से आपके सारे क्लाइंट्स उस जगह पर पहुँच नहीं सकते. आपको फिर अलग अलग मैनेज करना पड़ता है क्योंकि ट्रैफिक बहुत हो जाती है, पेशेंट्स नहीं पहुँच पाते. तो माशाल्लाह नाउ आई हैव माई 3 clinics इन कराची. बच्चे भी माशाल्लाह मेरे 3 हैं, तो वो सब चीज़ें मैनेज हो जाती हैं. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करवाने वाला है. दैट्स ट्रू. या सनी, दैट्स रियली अमेजिंग. आपकी जर्नी जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और ऑब्वियसली बहुत सारी मेहनत वाली रही है. दिस नन ऑफ दिस हैपेंस ईजिली, राइट? जब बंदा बाद में आके बात करता है तो लोगों को पीछे की स्ट्रगल और वर्क तो नहीं पता होता. एंड आई थिंक स्पेशली औरतों के लिए, क्योंकि उनके और भी बहुत सारे चीज़ें होती हैं, लाइक यू मेंशनड. यस. सो इट्स लाइक दोनों चीज़ें आपको साथ साथ मैनेज करनी होती हैं. अल्हम्दुलिल्लाह. और अगर फैमिली का सपोर्ट हो फिर तो फैमिली का सपोर्ट हो, लगन हो, आप अल्लाह से दुआ करें और मेहनत करते रहें और परेशान ना हो. सो आप मुझे बताएं, फिर जब आपने न्यूट्रिशन में मास्टर्स किया तो और आपके घर का माहौल भी ऐसा था, फिर तो आपके लिए ये जो फील है ये बहुत इंटरनली आपके साथ अलाइन हो गई, राइट? सो ये आपको फिर न्यूट्रिशन की फील्ड कैसी लगी वंस यू गॉट? मैं न्यूट्रिशन की फील्ड के बारे में मैं आपसे क्या बताऊं कि आई एम क्रेजी अबाउट दिस फील्ड. लाइक ये मेरे समझें कि ये फील्ड मेरे रूह को तस्कीन देते हैं. मैं इतना ज़्यादा आपको इसके बारे में क्या बताऊँ, यानी कि इसकी डेप्थ में जाके मैंने पढ़ा है और बहुत ज़्यादा मेहनत से. लेकिन मुझे इस बात का सिर्फ अफसोस ये होता है कि 15 ईयर्स पहले तो न्यूट्रिशन के बारे में अगर मैं बात भी, जब मैंने डाइट प्लान पेपर पे बनाना शुरू किया था, अब तो मेरा काम बहुत प्रोफेशनल और बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है. मेरा ब्रांड भी है डैन ऑलिव के नाम से, जिसमें वेरियस चीज़ें भी. यस, लॉन्च माई ब्रांड जिसमें वेट लॉस, वेट गेन के टीज भी हैं, स्किन और हेयर की चीज़ें. वक्त के साथ साथ जाहिर आपके चेंजेस आ जाते हैं. लेकिन 15 साल पहले व्हेन आई यूज़ टू गाइड पीपल अबाउट अ डाइट प्लान कि तुम्हें इस वक्त खाना है और इस वक्त करना है, या दूध पीना कितना ज़रूरी होता है, या अगर तुम्हारा वेट बढ़ा हुआ है तो तुम्हें कार्बोहाइड्रेट्स को कंट्रोल करना है और रात का खाना 10-11 बजे. सो पीपल वर लाइक कि अब आप हमें ये बताएंगे कि हमें टाइमिंग्स के तहत खाना खाना है और ये डाइट प्लान क्या होता है, मतलब वी आर नॉट गोना फॉलो दिस काइंड ऑफ अ डाइट प्लान. हमें तो खुला खाने पीने की आदत है. लेकिन करते 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 लाइक अब इतने न्यूट्रिशनिस्ट मुझे नज़र भी आते हैं, उस वक्त कोई था भी नहीं. एंड सेकेंडली मुझे ये खुशी होती है कि अब इवन मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास, पहले ये सिर्फ अपर क्लास तक महदूद था. अच्छा. और अब लोअर क्लास, लोअर मिडिल लोअर क्लास भी आती है और ख़ुद आके कहती है कि डॉक्टर आयशा मेरा वज़न बहुत बढ़ गया है, मेरे बच्चों में PCOS हो रहा है, मेरे बच्चों में डायबिटीज़ हो रहा है, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, मेरा यूरिक एसिड बढ़ गया है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे जॉइंट प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, मुझे आप डाइट प्लान बना दें. तो वो चीज़ अब मुझे सुकून देती है कि यस अब मुझे मेरी मंजिल मिल गई. हाँ, यू हैव कम फार. और बहुत सारी, एक तो लोगों को भी अब इसकी इंपॉर्टेंस समझ आई है और बहुत सारी चीज़ें अब जाके कॉमन नॉलेज भी हो गई हैं, यानी अवेयरनेस आ गई है लोगों को. हाँ. कि अच्छा ऐसे नहीं करते और ऐसे करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मुझे रिसेंटली इस चीज़ की बहुत ज़्यादा अहमियत समझ में आई है कि शायद आई थिंक आपकी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है ही नहीं कि आप अपने अंदर क्या डाल रहे हैं, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट को अफेक्ट कर रही है. हर एस्पेक्ट को अफेक्ट कर रही है. और मैं कहती हूँ कि सोने पे सुहागा जो रही सही कसर थी वो कोविड ने पूरी कर दी. कोविड ने बता दिया कि इम्यून सिस्टम सब कुछ है. बिल्कुल. जो अच्छा खाओगे, एंड लिटरली द पीपल जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा था, जो अच्छा खाते पीते थे, उनको कोविड ने टच भी नहीं किया. बिल्कुल. जो वीक थे, जो डाइटिंग कर रहे थे, जो अंडर स्ट्रेस थे, जिनका इम्यून सिस्टम वीक था, उनको एक या 4-4 दफ़ा कोविड हुआ. बिल्कुल. तो यू नो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपकी डाइट अच्छी है, आपकी डाइट बैलेंस्ड है, हेल्दी आपका लाइफस्टाइल है, आपको डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ता. बिल्कुल. you know? तो आप, क्योंकि आपकी आधी, जैसे कहते हैं ना, बीमारियां वो वहीं रुक जाती हैं, क्योंकि आप डेली लाइफ में इतना अच्छा कंज्यूम करो. सो आई थिंक
ये चीज़ एक ऐसी है जो आई थिंक क्योंकि खाने पीने की हैबिट्स जो है ना वो बहुत बचपन से डेवलप होती हैं. सो जैसे आपने कहा कि आपके घर में माहौल हेल्दी ईटिंग का था और पेरेंट्स को पहले एक तो मॉडल करना होता है. हाँ, बिल्कुल वो बहुत ज़रूरी है. सो आई थिंक ये अवेयरनेस जो है ना मदर्स में लाना बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स में जनरली बट स्पेशली मदर्स में, बिकॉज दे आर मोस्टली टेकिंग ऑन दैट रोल. बहुत ज़रूरी है कि वो बच्चों को क्या खिला पिला रही हैं और स्टार्ट से वो किस तरह उनके अंदर यू नो न्यूट्रिशन की एक अवेयरनेस डेवलप करती हैं और उन्हें क्या खाने पीने को देती हैं. क्योंकि लाइक यू सेड एज वेल के पेरेंट्स जंक खाएंगे तो बच्चे भी जंक खाएंगे. yes. तो आपको भी माइंडफुल होना पड़ेगा और ऑफकोर्स बच्चे तो वही खाएंगे जो आप उन्हें प्रोवाइड करेंगे. राइट right? बिल्कुल. तो उसमें आई थिंक मदर्स का रोल जो है इट्स वेरी वेरी एसेंशियल. मदर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट और एसेंशियल इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादा टाइम वो अपने बच्चों के साथ होती है. जी बिल्कुल. मोस्ट ऑफ द टाइम शी इज़ देयर विद द किड्स, क्योंकि सुबह में होती है और उसके बाद दोपहर में वो बच्चों को वेलकम कर रही होती है, फिर उससे लेकर रात तक. फादर्स जो हैं वो ऑन ड्यूटी होते हैं, फिर वो शाम या रात में आते हैं. जी. तो मदर्स का रोल इसलिए ज़रा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बिल्कुल. सो आप बता सकती हैं कि अब मदर्स का रोल क्योंकि ज़ाहिर है एसेंशियल है इसमें, सो वाट आर सम थिंग्स जो बचपन से शायद, खैर ये तो हमें पता है बच्चे पैदा होते ही न्यूट्रिशन इज़ एवरी थिंग, दैट इज़ द वन थिंग दे नीड द मोस्ट, कि उनको हर दो घंटे बाद दे नीड टू यू नो बी फेड विद मिल्क और फिर आहिस्ता आहिस्ता सिक्स मंथ्स के बाद वो खाना पीना शुरू करते हैं. बट मदर्स को एसेंशली एज देयर किड्स आर ग्रोइंग अप, वट आर सम ऑफ द मोस्ट बेसिक न्यूट्रिशनल नीड्स दैट दे नीड टू फोकस ऑन, या किस तरह वो एक बैलेंस्ड डाइट उनको प्रोवाइड करें? बैलेंस डाइट प्रोवाइड करने के लिए जो माँ की अंदरूनी ख्वाहिश होती है ना वो ये होती है कि उसका बच्चा हर चीज़ में एक्सेल करे. बिल्कुल. एकेडमिक्स में भी एक्सेल करे और मेंटल और फिज़िकल परफॉर्मेंस में भी एक्सेल करे. वो क्या ना करे अपने बच्चे के लिए. मैं ख़ुद माँ भी हूँ और ऑफकोर्स न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ, तो मैं ये चाहूँगी कि मैं अपने बच्चे को एक ऐसी खुराक दूँ जो कि भरपूर हो न्यूट्रिशनली, जिससे कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करे और उसको कोई कमी ना रह जाए. ठीक है, तो उसमें कॉम्बिनेशन हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हों, उसमें प्रोटीन्स भी हों, उसमें फैट्स भी हों, यानी कि उसकी जो डाइट हो वो बिल्कुल हेल्दी हो. ठीक है. और चूंकि जब सुबह बच्चा उठता है तो मैं उसको अच्छा सा ब्रेकफास्ट करवा के भेजती हूँ, और दोपहर में जब बच्चा घर पर आता है तब भी मैं उसको करवा दूँगी, और फिर शाम में भी. बस मसला वहाँ सिर्फ रह जाएगा जबकि बच्चा स्कूल में मेरे साथ नहीं है. जी. उसके लिए मुझे थोड़ी गौर व फिक्र करने की ज़रूरत होगी कि मैं ऐसा क्या बना के दूं बच्चे को कि जब वो मेरे साथ स्कूल में नहीं है, क्योंकि वही एक अच्छा खासा टाइम है सुबह 7 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक का, यू नो, जबकि वो बच्चा मेरे साथ नहीं होगा. और आई थिंक वो टाइम अच्छा खासा टाइम भी है और सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम भी है इन अ वे, क्योंकि स्कूल का स्केड्यूल इतना टफ होता है. हाँ. स्कूल इतना ड्रेनिंग होता है. बिल्कुल. मतलब मुझसे अभी कोई पूछता है ना कि लोगों को बचपन के दिन याद आते हैं, मुझे नहीं, मुझे बचपन के दिन याद आते हैं, लेकिन इवन तो मेरी स्कूल लाइफ वैसे बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं कहती हूँ मैंने स्कूल वापस नहीं जाना क्योंकि स्कूल बहुत मुश्किल होता है. असल में बहुत मुश्किल होता है, इतना आपको पढ़ना लिखना पड़ता है, देन देयर सो मेनी एक्टिविटीज एंड सो मेनी थिंग्स. एंड मुझे याद है कि बाय द टाइम मैं घर आती थी 2 बजे बस वही निढाल. ये 7 घंटे का टाइम है अगर आप इसको काउंट करें, सुबह 7 बजे से लेके 2 बजे का टाइम होता है जब बच्चे आते हैं, और वो कंसिस्टेंट है ना, पीरियड आफ्टर पीरियड वो पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं और दिमाग को इस्तेमाल कर रहे हैं. सो दे नीड टू बी अलर्ट एंड एक्टिव, एंड दैट ऑब्वियसली कम्स फ्रॉम व्हेन दे आर वेल फेड एंड नरिश्ड. एनर्जी कहाँ से आती है? खाने से आती है. बिल्कुल. और वरना वो बिल्कुल निढाल हो जाते हैं. ये 7 घंटे का टाइम है. ठीक है, वरना मिजाज में चिड़चिड़ापन है, बिल्कुल निढाल है. बिल्कुल. और परफॉर्मेंस में उनके बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि देखिए आजकल का स्कूल का कॉम्पिटिशन हर साल के साथ साथ बढ़ता जा रहा है. हमारे वक्त में और था, अब उनके और परफॉर्मेंस में और बहुत फ़र्क आ रहा है. उनके प्रोजेक्ट्स, उनके टास्क, उनके एकेडमिक तरीके से, उनके स्पोर्ट्स के तरीके से, बहुत चैलेंजिंग बातें जो हैं डे बाय डे इंट्रोड्यूस होती जा रही हैं. तो उसको कोप करने के लिए एक बच्चे को लिटरली फाइट करना पड़ रहा है. तो माँ को फिर उसी तरीके से एक ऐसी ग़िज़ा बच्चे को देनी चाहिए जबकि वो उस वक़्त उसके साथ नहीं है, ताकि बच्चा अच्छे से परफॉर्म कर सके. मुझे तो डॉक्टर आयशा, मुझे तो कहते हैं बैग्स भी हमारे बहुत हैवी होते हैं. स्कूल बैग को ही उठाना है जाने पूरा काम है. बट खैर, सो ये पता है, ये जनरली भी ना एक काफ़ी कंसर्न है आई थिंक
मेरा भी होगा जब मेरा बेटा इंशाल्लाह स्कूल जाना शुरू करेगा कि लंच में बंदा क्या दे, राइट? दैट्स अगेन, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग देन, कि अगर उन्होंने अच्छा परफॉर्म करना है स्कूल में तो लंच में क्या देना चाहिए मदर्स को, क्योंकि आपने कहा कि ऐसी गज़ा हो जिससे वो बेहतर परफॉर्म कर सकें. देखिए, सुबह तो नाश्ता करके बच्चा चला गया, उसके बाद वो क्लासेस स्टार्ट हो गई. उसमें बच्चों को अमूमन जो स्कूल में ब्रेक होती है 10:30-11 बजे मिलती है. हर स्कूल का यही सिस्टम होता है, फिर छुट्टी 1:15 बजे होती है, फिर अगर वो वैन से भी आ रहे हैं फिर वो 2 बजे तक घर पहुँचते हैं. 10:30-11 बजे तक आधी एनर्जी तो उनकी ड्रेन हो चुकी होती है. तो एक ऐसा हेल्दी स्नैक बच्चे को दे दिया जाए उसके स्नैक बॉक्स के अंदर, जिससे उसके एनर्जी जो है वो रिप्लेनिश हो जाए, ठीक है, और वो रिस्टोर हो जाए वापस, कि उसके बाद का जो उसका टाइम है घर आने तक का वो एक्टिव रहे, मेंटली भी और फिजिकली भी. तो उसको जो लंच बॉक्स है उसमें एक अच्छा सा सैंडविच दे दिया जाए, ठीक है, फ्रूट दे दिया जाए, कार्बोहाइड्रेट हो गया, और साथ में प्रोटीन देना जो है वो मस्ट है. यानी कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की कॉम्बिनेशन एज अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड अ मदर ज़रूरी है. कोई एक चीज़ भी अगर हम मिस करेंगे इसके बीच में से तो बच्चे की परफॉर्मेंस पे चाहे मेंटल हो चाहे फिजिकल फ़र्क पड़ता है. तो मैंने जैसे कार्बोहाइड्रेट के मिसाल आपको दिए जिसपे मैंने फ्रूट का बताया, बदल के सैंडविच में भी आ गया कार्बोहाइड्रेट आ गया. तो प्रोटीन का जहाँ तक सवाल है, अगर उसको हम मिल्क देते हैं तो मिल्क से बेहतर कोई चीज़ नहीं है. अच्छा, मिल्क में प्रोटीन है? हाँ, मिल्क के अंदर प्रोटीन है. और बहुत सारे लोगों को ये बात उसकी नहीं पता होती, उसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता होती. मतलब आई थिंक मिल्क से लोग बस वो विटामिन को एसोसिएट, कैल्शियम और विटामिन, हाँ कैल्शियम को वो कर लेते हैं, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन आप ये देखें कि हम तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ आते हैं, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अमेरिका हो गया या इंग्लैंड हो गया या टर्की हो गया, चाइना हो गया. बाकायदा जो स्कूल के प्रोग्राम्स होते हैं उसमें लंच ब्रेक्स में गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं, स्कूल प्रोग्राम्स हैं, उसमें बाकायदा स्कूल के अंदर बच्चों को मिल्क दिया गया है कि वो बच्चे जो हैं दूध पिएँ, ठीक है, ताकि उनके अंदर एक आदत डेवलप हो जाए. और इसके मुतालिक बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं. रिसर्चेज में 2009 के अंदर जो रिसर्च हुई उसने बताया कि बच्चों की जो शॉर्ट टर्म मेमोरीज थी, जो उनकी हाइट थी, उस पर अमेजिंग रिजल्ट्स आए दूध पीने की वजह से. अच्छा. फिर 2016 में जो रिसर्च हुई उसमें बताया गया, जो रिजल्ट्स आए उसमें जो बच्चों की परफॉर्मेंस थी, जो जिन बच्चों ने मिल्क लिया उनकी परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क था, जिन्होंने नहीं लिया उनकी परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क था. और इसी तरीके से एडोलेसेंस, यानी कि जब बच्चा प्यूबर्टी की तरफ जा रहा होता है, तो उसने जब मिल्क उन बच्चों को दिया गया तो उनकी जो बोन डेंसिटी थी, जो बोन ग्रोथ थे, उस पर अमेजिंग रिजल्ट थे बनस्बता उन बच्चों के जिन्होंने मिल्क रेगुलरली नहीं पिया. तो मिल्क को अगर एज अ प्रोटीन फॉर्म में देते हैं, और स्पेशली अगर हम उसका एक पैक डाल देते हैं स्कूल के लंच ब्रेक के बॉक्स में, तो उसमें ये हो जाएगा कि पूरी एक हेल्दी डाइट भी बच्चे को मिल जाएगी, और दोपहर तक जब तक कि वो थका हारा निढाल आएगा तो उसकी ये सारी जो एनर्जी लेवल्स हैं वो भी बेहतर हो जाएंगे और सारी नरिशमेंट उसको मिल जाएगी. मेरे नज़दीक एक बेहतरीन आइडिया. आई थिंक लेकिन ज़्यादातर मदर्स जो हैं वो जब स्नैक बॉक्सेस प्रिपेयर करती हैं लंच बॉक्सेस बच्चों के लिए, तो वो उसमें आई थिंक उनको मिल्क समझ नहीं आती कि एक तो वो कैसे दें, तो जूसेस डाल देती हैं, कोलास डाल देती हैं. बात यह है कि जूसेस या कोलास वो दे रही हैं बच्चों को, उसके अंदर कोई गजाइत नहीं है, कोई भी बच्चे को फ़ायदा नहीं होने वाला. तो एक ऐसी चीज़ आप बच्चे को डाल के दें, ठीक है, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है. आप अपने बच्चे को जब वाकई सेहतमंद, हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ से बेहतर तो कोई चीज़ नहीं है. जब आप ये देखें कि उसके फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं कि बच्चे के टीथ और गम्स बेहतर होने वाले हैं, उसका मसल स्ट्रॉन्ग होने वाला है, उसकी मेमोरी पे अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं, हाइट पे अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे, थका हारा निढाल ना हो, तो आप उसको एक ऐसी चीज़ दें जिससे उसका कोई फ़ायदा तो हो. सही. सो बेसिकली आप ये कह रही हैं कि जूसेस की जगह हमें चाहिए कि हम जो मिल्क के बॉक्सेस आते हैं, जैसे ऑल पर्पस के मिल्क आता है, उस तरह की हम चीज़ उनके लंच बॉक्सेस में डाल के दें. लंच बॉक्सेस में डाल के दे दें. हाँ, दे दें. और इससे ना सिर्फ उनके एक्टिविटीज़ पे बल्कि जो उनकी कंसंट्रेशन का हमारे पास बहुत कंप्लेंट आता है कि ब्रेक के बाद जो बच्चे हैं भाग दौड़ के और इतनी क्लासेस लेके, तो उसके बाद की जो क्लासेस हैं वो सही तरीके से अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, उनकी कंसंट्रेशन में फ़र्क पड़ रहा है. तो अगर उनको फ्लेवर्ड मिल्क दे दिया जाए, ठीक है, और आजकल बच्चे फ्लेवर्ड मिल्क को बहुत पसंद करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हैं, क्योंकि अदरवाइज तो जूस
टेस्ट में फिर वो आ जाता है ना, वो आ जाएगा ना. तो अगर टेस्ट का ही आप वो लेके चलें तो चॉकलेट है, स्ट्रॉबेरी है, ठीक है, बादाम ज़ाफ़रान है, ठीक है. अगर आप इसी तरीके से लेके चलना है, हमने बच्चे को किसी तरीके से कैच करना है लेकिन उसको फ़ायदा भी उसका देखना है, तो फ्लेवर्ड मिल्क में लेके चलें तो उसमें क्या होगा कि जो मिल्क के फ़ायदे हैं वो भी उसको मिल जाएंगे, ठीक है, और एडिशनल फ़ायदे जो कि एक फ्लेवर्ड मिल्क के अंदर होते हैं, जिसमें विटामिन ए है, कैल्शियम है, विटामिन डी है, ये सब मिल जाएंगे. तो जितने भी कंसंट्रेशन के फ़ायदे, बोन के, टीथ के, गम्स के, ठीक है, हाइट के फ़ायदे, ये सब भी बच्चे को मिल जाएंगे. और एक माँ को क्या चाहिए कि उसके बच्चे को इतने फ़ायदे. अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स की बात की, हमने मिल्क की बात भी की, जो हमारी मेन सोर्स ऑफ विटामिंस है जनरली वो किस चीज़ से है? हमारी मेन सोर्स ऑफ विटामिंस जो है, अगर हम देखते हैं तो मिल्क के अंदर एक भरपूर सोर्स ऑफ विटामिंस है, ठीक है. इसके अंदर कैल्शियम है, इसके अंदर प्रोटीन है, और इसके अंदर विटामिन B12 है, ठीक है. और फिर अगर हम उसको फ्लेवर्ड मिल्क के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसमें एडेड कैल्शियम और विटामिन डी शामिल है और विटामिन ए शामिल है, जिसके बेनिफिट्स फिर आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है. और उसी वजह से फिर आपको फायदे बहुत ज्यादा हो जाएंगे. जब आप मिल्क दे रहे हैं तो उसमें प्रोटीन और विटामिंस दोनों हैं. बिल्कुल. अच्छा, प्रोटीन और विटामिंस दोनों हैं मिल्क के. और दूसरी बात यह है कि कैल्शियम की जो जरूरत आपको बहुत ज्यादा पड़ती है, लेकिन उसके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए हमेशा विटामिन डी की जरूरत है, ठीक है. मतलब अगर विटामिन डी मौजूद नहीं होगा तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो सकता. आप जितना भी कैल्शियम लेते जाए वो आपकी बॉडी और बोन्स में नहीं जाता, नहीं जाता. तो उसको लेकर जाने के लिए या उसको ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी की जरूरत होती है. तो फ्लेवर्ड मिल्क के अंदर बाकायदा डाला गया है विटामिन डी ताकि वो उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर सकें. तो ये उसका इतना ज्यादा प्लस पॉइंट है. जितना आप उसको एब्जॉर्ब कर सकेंगे उतना ज्यादा उस बच्चे को उसका फायदा हो सकेगा. उसकी बोन्स और ज्यादा स्ट्रांग होंगी, उसकी हाइट पे, मेमोरी पे, उसकी कंसंट्रेशन पे, और फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी लेवल की बेहतरी में बहुत फायदा होगा. अच्छा, मुझे जनरली बता सकती हैं कि जो वेजिटेबल्स होते हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस है बच्चों की न्यूट्रिशन में? वेजिटेबल्स की इस तरीके से इम्पोर्टेंस है कि एक तो वो बहुत सारे सोर्स ऑफ विटामिंस भी हैं, ठीक है. और दूसरी बात ये है कि आपने सिर्फ बच्चे को अगर प्रोटीन्स के ऊपर डाला हुआ है तो आपने कार्बोहाइड्रेट्स पे भी डाला है, वरना प्रोटीन्स की वजह से बच्चों को बहुत कॉन्स्टिपेशन हो जाते हैं. बच्चे अक्सर कंप्लेंट करते हैं. जिन फैमिलीज़ में माँ बाप को सिर्फ गोश्त खाने की आदत होती है और वो सब्जियों का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते तो उन बच्चों को कभी भी सब्जियाँ खाने की आदत नहीं होती. तो सब्जियों के अंदर इतनी अच्छी विटामिंस हैं, स्पेशली जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, दे आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन. हमने बचपन से एक कार्टून देखा था, पोपाय द सेलर मैन, और हम देखते थे कि वो इतना स्ट्रांग था. तो वो हमेशा एक मैसेज दे रहा होता था बच्चों को कि जी आपने इस तरीके से वेजिटेबल्स इस्तेमाल करनी है. और इम्पोर्टेंट बात यह होती है कि अल्लाह ताला ने जितनी भी चीज़ें बनाई हुई होती हैं हमारी ख़ज़ा में, जिसमें प्रोटीन्स हैं या कार्बोहाइड्रेट्स हैं या विटामिंस हैं, फैट्स, मिनरल्स हैं, पानी सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी, तो उन सब की हमारी कोई अफादियत है तभी बनाई गई हैं. अल्लाह ताला हमसे 70 माँओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, ठीक है. तो ये कैसे हो सकता है कि हमारे लिए कोई ऐसी चीज़ बना दी जाए जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद ना हो. हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा एक्सेल करे एकेडमिक्स में और हर लिहाज से, तो वो उसको हमेशा एक ऐसी भरपूर ग़िज़ा देगी जिससे कि उसके बच्चे को हमेशा फ़ायदा हो. तो ये तमाम तर चीज़ें बच्चों को देना ज़रूरी है, और स्पेशली वो माँ बाप जो कि इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि एटलीस्ट हफ्ते में 2 दिन ऐसे ज़रूर बनाएं जबकि वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करें. आई थिंक ये वही, आई थिंक बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो इस चीज़ से स्ट्रगल करते हैं बच्चों को वेजिटेबल्स खिलाने में. बहुत ज़्यादा लोगों का प्रॉब्लम आता है. बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, लेकिन जब वो हमारे पास आता है ये पूछने के लिए तो उनको हम हमेशा ये गाइड करते हैं कि आपके बच्चे को कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर पसंद होगी. बच्चों को यूजुअली पास्ता पसंद होते हैं, नूडल्स पसंद होते हैं, पिज्ज़ा पसंद होते हैं, चाइनीज़ चावल पसंद होते हैं. जो भी चीज़ आपके बच्चे का वीक पॉइंट है आप उसी के अंदर उसके फूड में वेजिटेबल्स आप ऐड कर दीजिए तो बच्चा जो है डेफिनेटली कुछ ना कुछ वेजिटेबल्स ले लेगा और वो न्यूट्रिशन. और दूसरा, ये जो सिवियर कॉन्स्टिपेशन का शिकायत बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है वो भी प्रॉब्लम इसी तरीके से रिजॉल्व होती है. बच्चों को फाइबर देना बहुत ज़रूरी है. फाइबर, जिसको हम नशास्ता कहते हैं, जब तक आप नहीं वो देंगे तो बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी. सही,
क्योंकि आई थिंक ये है कि ना पेरेंट्स को आदत है ज़्यादा वेजिटेबल्स खाने की, ना फिर वो अपने बच्चों को खिलाते हैं. बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा ये सुना है ना कि जी और बड़े होकर तक वो फिर वेजिटेबल्स खाने की आदत जो है लोगों को नहीं होती. बिल्कुल नहीं होती. आप मुझे बता सकती हैं कि वापस अगर हम मिल्क के ऊपर आएँ कि किस एज तक डू यू थिंक कि ये मिल्क इज़ वेरी एसेंशियल? ये इतना अच्छा सवाल है और अक्सर मॉर्निंग शोज़ में ये पूछा जाता है कि मिल्क की ज़रूरत कब तक है. लेकिन इसका जवाब उससे भी अच्छा है कि मिल्क की ज़रूरत है पैदाइश से लेके कब्र तक. यानी कि कोई भी उम्र ऐसी नहीं है जिसमें मिल्क की ज़रूरत ना हो. मिल्क एक इतना भरपूर सोर्स है प्रोटीन का कि कोई भी उम्र नहीं है जिसमें कि इसकी ज़रूरत ना हो. ये तो हम बच्चों के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन ख़वातीन जिन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं किया और मिल्क को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया ये कहते हुए कि हमें पसंद नहीं है या हम नहीं लेना चाहते, तो बहुत जल्दी उनमें ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है. ठीक है. और इसी तरह बच्चों में जिन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं किया तो उनमें रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है. तो ये तो वो चीज़ें हम इसकी डेप्थ में या मेडिकल उसमें नहीं मैं जाऊंगी, लेकिन कहने का जो आपके सवाल का मकसद था वो यही था कि मिल्क को कभी भी नहीं छोड़ना. और बच्चों को तो दिन में दो दफ़ा दूध पीने की ज़रूरत है, सुबह के टाइम पे जब ये आप उनको लंच ब्रेक में दे रहे हैं और एक दफ़ा रात को सोने से पहले, और अडल्ट एज में दिन में एक मरतबा. तो ये बहुत अच्छा है उनके लिए, बहुत हेल्दी है, इससे उनकी बोन प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी नहीं होंगी और बोन्स बहुत हेल्दी रहेंगे. सही. तो जो लोग मिल्क की क्या ऑप्शंस होती हैं, सिर्फ काउज मिल्क ही सबसे बेहतर है या और हैं? जैसे आमंड मिल्क है, सोया मिल्क है, ये सब सुनने को हमें मिलता है, राइट? तो ये इसके इनके बेनिफिट्स में कोई फ़र्क होता है? उन सब के आप जो है लेबल ज़रूर पढ़ें, किसी के अंदर अगर फैट्स ज़्यादा हैं, किसी के अंदर कोई विटामिंस कम है, किसी के अंदर ज़्यादा है, और कुछ टेस्ट के लिए जो है वो प्रेफर किए जाते हैं तो वो नहीं है. और सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि फॉस्फोरस जो मिनरल है वो एक प्रॉपर रेशो में चाहिए होता है कैल्शियम के साथ बोन बनाने के लिए. अच्छा अच्छा ठीक है. सही. फॉस्फोरस एक ख़ास रेशो में चाहिए होता है कैल्शियम के साथ बोन बनाने के लिए, और ये सिर्फ दूध में मौजूद है. अच्छा. ये खसूसियत इतनी बड़ी बात है कि ये सिर्फ और सिर्फ दूध में मौजूद है, उसके अलावा किसी चीज़ में ये रेशो मौजूद ही नहीं है. तो इससे बड़ी क्या बात होगी जी. फिर तो बोन्स बेसिकली एसेंशियली डिपेंडी मिल्क पे कर रही है. डिपेंडी मिल्क पे कर रही है, यानी कि आपका पूरा स्ट्रक्चर, आपकी जो इमारत है वो बोन पे बेस कर रही है. ठीक है. तो बच्चों से ही ये सारा सिस्टम स्टार्ट होता है. एक एज होती है, लिमिटेड एज ग्रुप तक ही हाइट आपकी बढ़ती है, उसके बाद तो नहीं वो होती है. तो जितना आपने बच्चों को दिया और उनके टेस्ट के हिसाब से जो भी उनको पसंद है तो वो उनके लिए जितना बेहतर है, जितनी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस हो जाएगी. और माँ को भी जब उनका बच्चा अच्छे से परफॉर्म कर रहा होता है तो माँ भी बहुत खुश रहती है. सो इसमें फिजिकल स्ट्रेंथ भी है और जाहिर है मेंटल स्ट्रेंथ भी है. बिल्कुल बिल्कुल. और उसके अलावा आप ये देखें कि जो मुख्तलिफ रिसर्चेस और भी हुई हैं उसमें जो डिफरेंट हमने ग्रुप्स बनाए थे, तो जिन बच्चों को स्कूल ब्रेक्स में मिल्क दिया गया उन बच्चों को स्कूल ब्रेक के बाद थकावट हुई, ना जहनी दबाव हुआ और ना उनका चेहरा जो है वो मुरझाया. ठीक है. जिन बच्चों ने बाकायदा स्कूल के ब्रेक में मिल्क का इस्तेमाल किया तो ये चीज़ बहुत अच्छी है. और जिस तरीके से ऑल्पर्स वाले ये डिफरेंट फ्लेवर्स में लेके आए हैं, तो अगर इनका मिल्क रख दिया जाता है साथ में एक उनकी पसंद का सैंडविच भी हो गया, फ्रूट भी हो गया, तो ये एक भरपूर ग़िज़ा है जो हम अपने बच्चे को दे रहे हैं. और आप ये दे के देखें, आई थिंक एक मंथ का ट्रायल भी अगर आप करके देखें और जब आपके बच्चे के अंदर आपको खुद एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, एक डिफरेंस नज़र आएगा, तो आप खुद कहेंगे कि वाओ, इट्स सच अ गुड रिजल्ट. थैंक यू सो मच. आई थिंक बहुत सारे लोगों की जो लंच बॉक्स वाली चीज़ है ना, वो बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होता है कि हम बच्चों को लंच में क्या दें. आई थिंक वैसे ही होता है कि सुबह शाम क्या बनाएं, फिर जब लंच बॉक्स भी तैयार करना पड़ता है तो एक होता है व्हाट इज़ द राइट थिंग टू गिव टू योर. हाँ, दे वांट टू नो अबाउट द ऑप्शंस एक्चुअली. सुबह उनको भी, आजकल मदर्स को भी जॉब पे जाना होता है, बच्चों की भी डिफरेंट सोच होती है, फिर प्लस कॉम्पिटिशन बहुत है. जब बच्चे फ़खर से अपना ढक्कन ऊपर कर रहे होते हैं ना, तो वो भी उनके अंदर भी एक वो होता है कि वाओ, मैं आज क्या लेके आया और तुम आज क्या लेके आया. तो जब वो ढक्कन ऊपर करेंगे
करेंगे और अंदर से निकलेगा उनका एक फेवरेट मिल्क और साथ में वो, तो फिर उनकी भी यू नो एक उनके कॉन्फिडेंस लेवल की भी बात कुछ और ही हो जाते हैं। बच्चों को भी पता ही होना चाहिए कि मिल्क से वो, मिल्क मेक्स यू सो स्ट्रांग राइट, तो फिर वो उसको जरा प्राउडली वो भी करेंगे। एंड आई थिंक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि बच्चे ना एक दूसरे के लंच से भी वो होते हैं, बहुत होते हैं और कॉम्पिटिशन में भी खाते हैं कि ये ठीक है मम्मा आज मैं स्कूल गई थी और मेरी जो मेरी फ्रेंड है वो मिल्क लेके आई थी, वो मुझे भी आपने ये देना। हाँ, वो ज्यादा स्ट्रांग है, वो ज्यादा स्ट्रांग है और बचपन से हमें पता है कि दूध पियेंगे तो हमारी बोन स्ट्रांग होगी और हम लंबे हो जाएंगे, तो बच्चे ये जानते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन माने करवानी है। और अगर मिल्क फ्लेवर्ड है फिर तो आपका सारा ही प्रॉब्लम सॉल्व है, मिल्क फ्लेवर्ड है और बच्चे शौक से भी पी लेते हैं, उनको सादा दूध से ज्यादा अपने पसंद का फ्लेवर है, चॉकलेट स्ट्रॉबेरी, ये बच्चों के बड़े ऐसे फ्लेवर्स हैं जिनके ऊपर बच्चे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। एंड आई थिंक जिन बच्चों को बचपन से दूध पीने की आदत रहती है ना, कंटिन्यूड रहती है, उनको तो वैसे ही मिल्क अच्छा लगता है, बिल्कुल अच्छा रहता है, बल्कि वो उसको मिस करते हैं, मिस करते हैं, अगर उनको नहीं मिलेगा दे आर गोइंग टू मिस इट। दैट्स ट्रू। जैसा मेरा ये था कि मुझे मेरी आदत छूट गई थी तो उसके बाद गोइंग बैक टू मिल्क मुझे बड़ा मुश्किल लगा, फिर जब तक उसमें मैं चॉकलेट मिक्स करके नहीं पीती थी तो मुझे इतना पसंद नहीं आता था। सो आई हैव हैड द सेम इश्यूज, मैं भी जब मिल्क पीती हूँ तो मुझे उसमें चॉकलेट ऐड करना ज़रूरी होता है, एडिशनली ऐड। हाँ, तो वो आप ऐड करें और आपको एडिड कहीं से मिल जाए तो वो तो बहुत ही अच्छी मज़े की बात हो जाएगी। बिल्कुल, दैट्स ट्रू। ठीक है डॉक्टर आयशा, और कुछ है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं और डू यू थिंक कि हमने एक बहुत अच्छा बच्चों की न्यूट्रिशन को कवर कर लिया है? हमने बच्चों की न्यूट्रिशन को बहुत अच्छा कवर कर लिया है, मगर बच्चों का जो दिल होता है वो बच्चे की तरह होता है, लाइक दिल भी किसी जिद पे अड़ा है बच्चे की तरह, या तो सब कुछ ही मुझे चाहिए या कुछ भी नहीं, तो बच्चा तो फिर बच्चा ही है। एज पेरेंट्स घर में जब हम मिल के बच्चों को लेके चल रहे होते हैं तो हमें बहुत सारी बच्चों की ज़रूरियात का ख्याल रखना पड़ता है, तो आप एक छोटा सा घर में टाइम टेबल ज़रूर बनाया करें कि मंडे इज़ गोइंग टू बी पापाज़ डे, ट्यूज़डे इज़ गोइंग टू बी मामाज़ डे, फिर वेडनेसडे जो होगा वो भाई का दिन हो जाएगा और थर्सडे जो होगा वो बहना का दिन हो जाएगा। इस तरीके से जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर तीन ही फैमिली मेम्बर्स हैं फॉर इंस्टेंस आपके हैं, तो आप दो दो दिन आपने बना लिए, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद संडे जो बेबी कहेगा या आपका बेटा कहेगा वो ही होगा, तो द चाइल्ड रियली फील्स वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है। देखिए, आपने अगर बच्चे से कोई बात मनवानी है तो आपने उसकी भी मानी है। फॉर इंस्टेंस आप ये चाहती हैं कि आपका बच्चा जब आपने उसको लंच बॉक्स बना के दिया है और वापस खाली ना आए, लाइक मेरा उस वक्त ब्लड प्रेशर आसमान को छू जाता है जब मैं लंच बॉक्स बना के दूँ, मुझे उस वक्त ड्रॉप पे भी जाना हो और जब वापस कोई चीज़ बची हुई आए, आई रियली डोंट फील गुड अबाउट इट, बिकॉज वो नुकसान भी है, खाने का ज़ाया भी है, ठीक है। तो आपने अगर बच्चे से कोई बात मनवानी होती है तो फिर माननी भी होती है, ठीक है। तो ठीक है, हम संडे को एक चीट मील करेंगे और हम तुम्हारी पसंद का कुछ खाएंगे। एक ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे की ग़िज़ा में, ठीक है। आप उसका जो है ना 3 या 4 महीने में एक न्यूट्रिशनिस्ट, प्रेफरेबली अगर वो डॉक्टर हो, उससे विजिट ज़रूर करवा लें ताकि उसका पता चल जाए कि उसकी मॉनिटरिंग उसके हाइट और वेट की बिल्कुल ठीक चल रही है कि नहीं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट बात बहुत ज़रूरी होती है कि जो ग्रोथ हॉर्मोन का रिलीज होता है वो रात के वक्त डीप स्लीप में होता है, ठीक है। बहुत सारे पेरेंट्स ये करते हैं लाड में या प्यार में या मोहब्बत में कि सो रहे हैं तो बच्चे को साथ में बीच में ही लिटा लिया या सुला लिया, या 2-3 बच्चे हैं तो एक ही जगह पे उनको डाल दिया और सुला लिया। अच्छा, व्हाट हैपेंस इज कि रात में नींद में बच्चे हिलते हैं, डुलते हैं, आपस में टकराते हैं, जब वो टकराएंगे तो ग्रोथ हार्मोन का रिलीज इमीडिएटली स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये नहीं पता। यस, सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस विद यू नो ऑल माय द ऑडियंस और आपके फॉलोअर्स। तो उसमें ये होता है कि जब ग्रोथ हार्मोन का रिलीज ही स्टॉप हो जाएगा तो कैसे उनके रिजल्ट्स आएंगे, ग्रोथ हार्मोन की वजह से ही आपके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं हाइट के हर चीज़ के। तो बच्चों को हमेशा सेपरेट स्पेस देनी चाहिए सोने के लिए ताकि वो बिल्कुल डीप स्लीप सोएं, क्योंकि उसी वक्त ग्रोथ हार्मोन का रिलीज होता है। प्लस गो फॉर अ वन थंब रूल। वन थंब रूल का मैंने आपको जैसे बताया कि एक एक वो होगा और एक बच्चे के पसंद का खाना मिलेगा, बच्चे को अपने साथ किचन में ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें।
लाइक कोई भी उनका छुट्टी का दिन है, अच्छा बेटा ये मटर हैं तुम छीलो, गाजरें हैं तुम छीलो. आई एम टॉकिंग अबाउट द वेजिटेबल्स स्पेशली, बिकॉज कंप्लेंट्स हमेशा वेजिटेबल्स की आती हैं. गुड फैमिलीज या मिडिल क्लास फैमिलीज, ऑल ऑफ देम आर हैविंग द सेम कंप्लेन कि डॉक्टर आयशा ये तो बिरयानी खाती है, बर्गर खाती है, सब्जी और दाल तो खाती नहीं है. तो सब्जी और दाल आप नहीं खाएंगे, बिरयानी खाएंगे, बर्गर खाएंगे, वेट लॉस कैसे हो जाएगा? यू नो वेट गेन इज ऑल्सो अ वेरी बिग इशू अमंग्स द गर्ल्स एंड दे आर सफरिंग विद द हार्मोनल प्रॉब्लम कॉल्ड एज PCOS. ठीक है, तो उसमें फिर ये हो जाता है कि आप बच्चों को इनकॉर्पोरेट बचपन से करें कि तुम मटर छीलो, गाजरें आई हुई हैं, तो दे शुड नो कि ये गाजरें, मटर, खीरा ये खाने की चीज़ें हैं, ये हमारे लिए हेल्दी हैं, खाने ज़रूरी हैं. और आपने उनको थोड़े से बड़े हुए पे छुरी भी दे दी, काट के थोड़ा थोड़ा दिया और चाट मसाला या नमक लगा के दिया ताकि उनका फ्लेवर उनको पता चले. ऐसे ही फलों का है. फल रेगुलरली आप देखें, महंगे से महंगे ब्रांडेड फ्रूट्स भी ले रहे हैं, शूज़ भी ले रहे हैं, बच्चों के लिए सब कर रहे हैं. तो फल के महंगे के ऊपर आप कैसे कह देते हैं कि फल महंगा हो गया सब्जी, यू नो आप उस महीने थोड़ा सा बजट कॉम्प्रोमाइज करके बच्चों के लिए अच्छा दूध और फल और सब्जी, अंडा, गोश्त जरूर लेके आए. बच्चे को अच्छी गजा देना ज्यादा जरूरी है. बेशक कपड़ों पे या ब्रांड्स पे थोड़ा आप अपने लिए और बच्चों के लिए कॉम्प्रोमाइज करें ताकि बच्चे को हर चीज पता हो. बाद में वो बच्चा जवान हो गया तो उसको टेस्ट कभी भी पता नहीं चलेगा. तो ये वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं. साथ में बच्चे को नमाज का, कुरान का, आदाब का, प्यार का, मोहब्बत का, स्पेशली अपने मुल्क से मोहब्बत का बहुत पता हो. लाइक आई लव माई कंट्री, मेरी सारी एजुकेशन सब कुछ यहाँ से. मैं कॉपीज में बचपन से डॉक्टर आयशा लिखती थी तो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह जो भी इज्जत प्यार मोहब्बत लोगों ने दिया है वो इस मुल्क से ही दिया. सही बात है, ये तो बहुत अच्छी बात किया आपने. और मुझे आपकी वाली बात बहुत अच्छी लगी कि बच्चों को किचन में इन्वॉल्व करें. आई थिंक कि कोई बहुत कम लोग करते हैं उससे, आई थिंक कम भगा देते हैं, मुझे काम करने दो, मुझे काम करने दो तो मुझे तंग कर रहे हो, चीजें छेड़ रहे हो. तो वो बच्चे जवान होने तक, बड़े होने तक उनको माएं आगे नहीं लगने देती. आप उनको कलर्ड प्लेट्स लाके दें, रात की डाइनिंग टेबल उनसे लगवाएं, बच्चियां थोड़ी बड़ी हों उनको रोटी बनाना उसी वक्त सिखा दें, चावल बनाना, नूडल्स बनाना, सुबह का नाश्ता बनाना छोटी उम्रों से. बच्चों यही बच्चे जब बाहर की कंट्रीज में जाते हैं झाड़ू पोछा नाश्ता सब कुछ करते हैं, करना पड़ता है. सो व्हाई नॉट ओवर हियर, हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है? तो बच्चों को आप सब कुछ सिखाएं. आई थिंक वो किचन में वो इन्वॉल्व करने से ये भी होता है ना कि उनकी फूड के साथ रिलेशनशिप बेहतर हो जाती है. yes. और जाहिर है फिर वो टेक्सचर्स भी फील करते हैं. सो दैट आल्सो आई थिंक इम्पैक्ट्स देयर न्यूट्रिशन एंड देयर रिलेशनशिप विद दैट फूड. हाँ, इट्स लाइक फेमिलियरिटी. Yes. The more you know it, the more you are accepting of it as well. ये वो वाली चीज है. बिल्कुल. वरना आपको पता नहीं है कि बस आगे बस एक चीज बन के आ रही है, लेकिन किस तरह बन के आती है और माने कितने मेहनत की. सब्जी जब आती है उसके बाद जब वो आपको एक बन के आती है तो इट्स अ प्रोसेस, वो बहुत डिफरेंट लगती है. वो बहुत डिफरेंट लगती है और कई दफा रॉ सब्जी खाने का या सैलड खाने का अलग मजा है. हाँ, बच्चे को उसकी आदत डाल दें, स्टीम्ड वेजिटेबल्स दे दें, बिल्कुल बहुत अच्छा लगेगा. स्टर फ्राई करके दे दें. सही बात है. राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर आयशा. मोस्ट वेलकम. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखा मैंने. मेरे पास तो बेटा है जिसके ऊपर मैं इम्प्लीमेंट भी कर सकती हूँ ये सारी चीज़ें. आई एम श्योर लॉट्स ऑफ मदर्स वुड हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू. और आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत सारे लोगों को अवेयर कर रही हैं, एजुकेट कर रही हैं. इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. आई डोंट थिंक आई कैन स्ट्रेस ऑन दिस इनफ कि जो आपकी जिस्म में जा रहा है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट शायद कुछ भी नहीं है. इट अफेक्ट्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ. सो आप लोग भी अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखें, डॉक्टर आयशा से नोट्स लें, कुछ सीखें, खुश रहें बिल्कुल. एंड आई थिंक पॉजिटिव. यस, एंड डू द बेस्ट यू कैन विद योर चिल्ड्रन एंड देयर न्यूट्रिशन एंड जस्ट हेल्पिंग देम बिकम इंडिविजुअल्स जो कि एक होलिस्टिक तौर पे बैलेंस्ड हो हर चीज़ में. जैसे आपने बहुत सारी बातें बताई जो हमें करनी चाहिए अपने बच्चों के साथ. आई थिंक एज़ पेरेंट्स एंड स्पेशली एज़ मदर्स हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू रेज गुड ह्यूमंस, और उसमें न्यूट्रिशन इज़ अ ह्यूज एस्पेक्ट. आई पर्सनली बिलीव इट्स द ग्रेटेस्ट एस्पेक्ट ऑफ वे वी कैन हेल्प आवर चिल्ड्रन डिवेलप गुड रिलेशनशिप्स
विद फूड. इफ देर इज़ एनी थिंग प्लीज आप कॉमेंट्स ज़रूर छोड़िएगा. आपके कोई थाट्स हैं, कोई सवालात हैं, आई वुड लव टू रीड योर कॉमेंट्स. आपने कुछ सीखा हो तो वो भी बताइएगा, बहुत इंकरेजिंग होता है मेरे लिए, ताकि मैं इस तरह के और गेस्ट को ज़रूर लेके आऊँ. एंड डोंट फर्गेट टू लाइक, डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम. अल्लाह हाफिज़.